मध्य प्रदेश के सिवनी में हजारों लीटर बियर की बोतलों को जेसीबी की मदद से चूर चूर कर दिया गया। साथ ही हजारों लीटर बियर को विशाल गड्ढे में दफनाया भी गया। आबकारी विभाग की तरफ से की गई इस कार्रवाई में कुल 70 लाख की बियर को नष्ट किया गया। हजारों बियर की बोतलों को पहले जेसीबी मशीन से कुचला गया, फिर जो बच गए उसे एक बड़े से गड्ढे में फेंक दिया गया। बियर की बोतलें बियर की पेटियां बियर का कुंड बियर की फैक्ट्री पीने वालों के लिए ये तस्वीरें किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हजारों हजार लीटर बियर को बर्बाद कर दिया गया। पुलिस की टीम मौजूद थी, आबकारी विभाग तैनात था और दर्जनों मजदूरों के हाथों से कुछ इस तरह बियर को दफनाया जा रहा था। और इसकी बड़ी वजह ये थी कि बियर की ये पूरी खेप एक्सपायर हो गई थी और बाजार में इसकी बिक्री लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां आबकारी विभाग ने बियर के गोदाम पर छापा मारकर बियर की ये बोतलें जब्त की थीं। आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग ब्रांड की करीब 3800 पेटी यानी करीब 34,200 बियर की बोतलों को नष्ट कर दिया गया। सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट के शराब ठेकेदारों को सप्लाई की जाने वाली 34,000 लीटर बियर को आबकारी विभाग ने जेसीबी से और गड्ढे में गिरवा कर नष्ट कर दिया। तीन जिलों के जो अंग्रेजी शराब ठेकेदार इन्हें बेचती हैं, बियर के मामले में उन्हें बंदिश होती है कि वो 6 महीने के अंदर इस बियर को बेच दें। निर्माण तिथि के बाद 6 महीने की जो बियर बिक नहीं पाती उसे हम लोग चिन्हित करके लग रख देते हैं। ऐसी बियर को लगभग 3,800 पेटी बियर थी जिसपे आपके महोदय की अनुमति के बाद 23 तारीख को नष्ट किया गया। दरअसल नियम के मुताबिक ठेकेदारों को गोदाम से बियर की खेप को 2 महीने के भीतर उठाना होता है, लेकिन इस वेयर हाउस से पिछले 6 महीने से खेप नहीं उठाई गई थी, जिस वजह से इसे एक्सपायर मानकर इसे नष्ट कर दिया गया। बियर की खेप को नष्ट करने की कार्रवाई के दौरान 1800 पेटी केन और बोतलों को मैदान में बिछाकर जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 2000 पेटी बोतलों को खोलकर उसे बड़े से गड्ढे में भर दिया गया। और खाली बोतलों को उनके लेबल के हिसाब से कंपनियों को लौटा दिया गया। दरअसल आबकारी विभाग शराब को स्टॉक करने का किराया कंपनियों से वसूल करता है। कंपनियों को गोदाम में इस शर्त पर शराब रखने की अनुमति दी जाती है कि 2 महीने के भीतर वो शराब के स्टॉक को उठवा लेंगे। ऐसा नहीं करने पर कंपनियों पर पेनल्टी लगाई जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। कार्रवाई में जिन कंपनियों की बियर को गड्ढे में डलवाया गया उन बोतलों को कंपनियों को वापस दे दी गई और बोतल खाली करवाने के लिए लगा मजदूरों का खर्च कंपनियों से वसूला गया। साथ ही जिन कंपनीज ने खाली बोतलें लेने से मना कर दिया उनको जेसीबी के नीचे डलवा दिया गया। आबकारी विभाग नष्ट की गई कांच की बोतलों को बेचकर कार्रवाई का खर्च वसूलता है। विभाग ने इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए आबकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। समिति में एक सहायक आबकारी अधिकारी और क्षेत्र के नायब तहसीलदार शामिल थे। नष्ट की गई बियर की बाजार में कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग के मुताबिक जिले में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में शराब नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। सोनू गुप्ता, इंडिया टीवी, सिवनी, मध्य प्रदेश।